होली के दिन जैपनीज गर्ल का वो असोल्टिंग का वीडियो वायरल हुआ। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है, कोई हाइपोथेटिकल सेल्फ रिस्पेक्ट बना के बैठे हुए हैं। मैं अगर होली पे पक्के कलर हाथ में लगा के और उसे पोत दूंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा ऊपर हो जाऊंगा। किसी को उठा के कीचड़ में फेंक देना, किसी के कलर जो है कान में, नाक में, आंख में, सब जगह भर देना, इसमें कोई गलत या सही नहीं है। आपके फ्रेंड्स रेडी है और आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो आप खेल सकते हो, कर भी सकते हो। लेकिन इस चीज को समझने के लिए ना खुद की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जो सब लोगों में नहीं होती है। दिख रहा है कि इन तीन लोगों में वो थी नहीं, इनके दिमाग में भी वो हाइपोथेटिकल सेल्फ रिस्पेक्ट चल रही होगी। जापान की कोई लड़की है, होली खेलनी है, अब हम इसे दिखाएंगे होली कैसी खेली जाती। इसके लिए इन तीन बंदों को एटिकेट सिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली जो लॉ है लीगली वो करना चाहिए। पर एक बात और सोचने वाली है कि मीडिया और सोशल मीडिया पे ना अपना ही ट्रायल चलता रहता है। दुनिया भर की पुरानी वीडियोस उठा ली गई है, पे विमेन समझा रही है कि होली पे मेरे साथ ये हुआ, सारी वीडियोस पुरानी है। दिल्ली पुलिस का एक ट्वीट भी है, वीडियोस फेक अटैच करी जा रही है। उन तीन बंदों ने गलती की है ये देखना भी जरूरी है कि उनकी गलती कितनी बड़ी। एकदम से आप सेक्सुअल असोल्टिंग वर्ड जोड़ देते हो और अगर वो ना कर रहे हो, सिर्फ उनकी बेवकूफी का वो नतीजा हो, तो कितनी बड़ी सजा हम उन लोगों को दे रहे हैं। एक तरफ हम सारे पोलराइज हो रहे हैं कि उनकी गलती है, मारो तोड़ो।